यार खाड़ी पे आया हूँ, खाड़ी पे सेल वगैरह तो नहीं लगी हुई। ये देखिए इसके, अच्छा ये देखिए ये सामने हिमानी है। अब यहाँ से परफ्यूम वगैरह पसंद करके आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने जाना है तंदूरी पिज़्ज़ा खाने। यार ये इस तरह का पिज़्ज़ा होता है, ये तंदूर के अंदर बनाते हैं, इसे आप मोबाइल पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। यानी कि आप तंदूर जो है जहाँ भी आपका दिल कर आप ले जा सकते हैं, कहीं भी आप ले जा सकते हैं। उसमें ये है कि एक वो रेहड़ी होती है, जैसे आगे मोटरसाइकिल पीछे रेहड़ी होती है, उस पर ऊपर तंदूर बनाया होता है इन्होंने, उसके अंदर जो है ये लोग ना पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं। बड़ा ही लेवल का, बड़ा ही मज़े का पिज़्ज़ा होता है। मैंने पहले भी खाते रह गए, मैं क्या आपके साथ शेयर करता हूँ इसका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा है उसका। रेट्स वगैरह आपको वीडियो के दरमियान में पता चल जाएगा। उसकी मेकिंग भी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से बनता है, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या होता है, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बड़ा ही लेवल का पिज़्ज़ा होता है, यकीन माने बड़ा ही मज़े का और नहायत ही सस्ता पिज़्ज़ा होता है। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ से ज़रा एक दो चीज़ें लेनी है, शॉपिंग वगैरह करनी है, कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने, तो आपने वहाँ भी मेरे साथ रहना, मिनी सा व्लॉग भी होगा, बड़ी ही मज़े की वीडियो होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये अलकरम पे जाना है, अगर अलकरम से मिल जाए, उम्मीद है अलकरम से मिल जाएगा, तो अलकरम पे जाते हैं सबसे पहले। अच्छा यार अभी अलकरम से होके आगे, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, हमें एक और जगह पे जा रहे हैं, जे रोड पे जाएंगे या खाड़ी पे जाएंगे, लेडीज सूट वगैरह लेना है। तो यही तो वहाँ पर देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला लेके फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा यार खाड़ी पे आया हूँ, खाड़ी पे सेल वगैरह तो नहीं लगी हुई। ये देखिए इसके कलेक्शन है खाड़ी पे, ये देखिए ये थ्री पीस। यहाँ से मुझे लगता है पसंद नहीं आएगा, देखते हैं पसंद आता है तो अल्लाह करे जान छूटे मेरी, फिर नेक्स्ट स्पॉट पर चलते हैं या फिर अल्लाह करे यहीं से फाइनल हो जाए। अच्छा यार अभी उसे क्या नाम है, सूट वगैरह तो कोई पसंद नहीं आया, अब जो है परफ्यूम वगैरह लेने जा रहे हैं, तो परफ्यूम के लिए हिमानी पे जाना है, तो परफ्यूम वगैरह ले लेते हैं, फिर उसे क्या नाम है फिर आपसे मिलते हैं। उसके बाद ये है कि मैंने ना एक आधा कोई या तंदूरी पिज़्ज़ा या कोई किसी चीज़ का रिव्यू देना है, आपने ना वीडियो एंड पे देखनी है, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए हिमानी आ गए, तो हिमानी पे चलते हैं, कोई परफ्यूम वगैरह पसंद करते हैं। अच्छा ये देखिए ये सामने हिमानी है, अब यहाँ से परफ्यूम वगैरह पसंद करके आपको मिलते हैं। अच्छा यार बड़ी जगह घूमे, मतलब कि जे रोड नहीं जा सके थे, बीच ट्रिप भी गए थे, और पहले तो अलकरम से शुरू की थी शॉपिंग, तो उसके कहना मैं अंदर यार वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे, मैं आप आउटलेट के अंदर जा रहा था लेकिन अंदर लिखा होता जी वीडियोस वगैरह नहीं बनानी, तो इस वजह से ना मैं वीडियो सही तरह से बना भी नहीं सका। हिमानी पे परफ्यूम मैं चलो ले लेते हैं, लेकिन बात नहीं बनी। तो बिल आखिर अलकरम से मिल गया था सूट, जो लेना था वो ले लिया। तो ये देखे ये अलकरम से लिया, अलकरम पे सेल वगैरह लगी हुई थी, तो यहाँ से परचेज़ किया, तो फाइनली अलकरम से मिल गया था। तो अब जा रहे हैं तंदूरी पिज़्ज़ा खाने। इसकी लोकेशन आप समझ लें, इसकी लोकेशन ये कमर्शियल एरिया में है, कमर्शियल एरिया में आप इंटर होंगे, किसी से भी पूछेंगे ना यार ये तंदूरी पिज़्ज़ा बनता है ये किस जगह पे है, साइम के नाम से है, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। तो आप कमर्शियल के अंदर इंटर होंगे, आपको पता चल जाएगा। ये ना इसके पूछ लीजिएगा कि GCT कॉलेज है ना, उसके पास ही ये लगता है, यानी कि उधर करके ये लोग बैठे हुए हैं। बड़ा ही मज़े का पिज़्ज़ा है, तो चलिए अब पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। ठीक है बनाओ बनाओ, मेयोनेज आ गई, पहले ये पिज़्ज़ा सॉस डाली है आपने जी, ये नवाबी लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसकी प्राइस क्या है? 800। लग गया लग गया।
ये चीज कौन सी है, मोज़रेला है या चेडर है? मोज़रेला, मोज़रेला है ये वाली। टमाटर है, शिमला मिर्च है, ये क्या चीज है? ओलिव। इसको क्या हुआ है? ये ब्रेक करके रखते हैं ना। अच्छा, ब्रेक कमजोर कर रहे हैं। ये हैलोपिनोज आ गए हैं। लला वसीम आपका लास्ट। सारी तंदूर में कितने देर रखोगे, कितने देर डालोगे? 6-7 मिनट। दो पिज्जा खाने पर 6-7 मिनट के लिए पट्टी में चला गया है। ये आ गया हमारा पिज्जा। ये तो बड़ा जबरदस्त तैयार हो गया यार। वाह, अभी इसकी फिनिशिंग करनी है, बस हो गया है। ये क्या चीज लगाई है? ऑयल है ये? नहीं, वेजिटेबल ऑयल। ये हो गया हमारा पिज्जा रेडी, पिज्जा फाइनल हो गया। अभी ओके हो, अब इसको टेस्ट करके बता दूँ कितना होगा। अच्छा यार, ये हमारा पिज्ज़ा आ गया है, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये पिज़्ज़ा कैसा है। मेकिंग इसकी बड़ी ज़बरदस्त, मैंने आपको मेकिंग दिखाई है तो मेकिंग बड़ी ज़बरदस्त थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस पिज़्ज़े में से। तो चलिए पिज़्ज़े का रिव्यू करते हैं कि किस तरह का पिज़्ज़ा है। ये इसका एक स्लाइस लेता हूँ मैं, ये देखें, अच्छा खासा गर्म है पिज्जा। देख सकते हो, ये देखें, तो मैं टेस्ट करता हूँ कैसा है इसका, टेस्ट करता हूँ किस तरह का इसका टेस्ट है। बड़ा मज़ेदार, बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा यार, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। एक ज़रा ना मैं इसके ना चिली गार्लिक सॉस है इसमें, ज़रा ना मैं चेक कर लगा के ना इसमें चिली गार्लिक सॉस लगा के ना चेक करता हूँ ये फिर कैसा टेस्ट आता है। वाह,
अच्छा, मैं पिज़्ज़े का आपको डिटेल रिव्यू दे देता हूँ। पिज़्ज़ा किस तरह का? पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लेवल का, बड़ा ही मज़ेदार, लिटल सा हल्का सा स्पाइसी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, इसमें आप इसमें चीज़ भी ज़्यादा साइड डलवा सकते हो। लेकिन ना इनके चीज़ के बारे में बताऊँगा, लेकिन जैसे आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या पाकिस्तान के, यानी कि उनकी जो चीज़ होती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन इस चीज़ की क्वालिटी ना थोड़ी डाउन थी, इतनी ज़्यादा मैं कहूँगा हाई फाई नहीं थी इस चीज़ की क्वालिटी ना। वो कह रहे थे कि मोज़रेला चीज़ है, लेकिन मोज़रेला चीज़ वाली बात नहीं थी इसमें ना, क्योंकि उसकी एक लेयर होती है, उसका एक टेस्ट होता है, चीज़ का इतना ज़्यादा पता नहीं चला था। ऐसे लग रहा है जैसे होम मेड होती है ना, उस बंदे ने यूट्यूब से वीडियोज़ देख के ना, यानी कि वो ऐसा लग रहा था चीज़ बनाई हुई है। ठीक थी, इसकी प्राइस जैसे 800 है, जो महंगाई का दौर चल रहा है आपके सामने है उस हिसाब से तकरीबन, जो इसका साइज़ है तकरीबन 13 इंच है इसका साइज़, तकरीबन 2000 तक का होना चाहिए, लेकिन 800 का है। 800 के हिसाब से ना मैं कहता हूँ पार्टी होना है, लेवल का पिज़्ज़ा, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है। तो डेट्स इट, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।